तो नमस्कार, मैं राजू चौधरी और स्वागत है आप लोगों को राजू सोनी यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो में। अभी हम सरैयागंज टावर चढ़ाए चलेंगे अखाड़ा घाट। तो आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ इंस्टाग्राम का आईडी है, वहाँ भी फॉलो कीजिए। तो चलिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। चलिए सरैयागंज टावर से हम चलते हैं अखाड़ा घाट के तरफ। ये रास्ता आपको चला जाएगा बाबा गरीबनाथ मंदिर के तरफ, आप लोग देख सकते हैं। ये रास्ता आपको सिकंदरपुर होते हुए अखाड़ा घाट चली जाएगी। और ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता आपको कंपनी बाग होते हुए इमली चट्टी जीवन छपरा के तरफ आप लोग, ये रास्ता आपको जवाहरलाल रोड में चला जाएगा। आगे जाने के बाद सूतापट्टी के तरफ भी जा सकते हैं, इस्लामपुर भी जा सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं सरैयागंज टावर से। सरैयागंज टावर पे आते हैं तो एक यहाँ का फेमस चाय की दुकान है, आप लोग यहाँ चल के ट्राई कीजिए। चलिए हम वहाँ पे कुछ भी शॉप ऑनर हैं उनसे बात करते हैं, प्लस कुछ कस्टमर से भी बात करेंगे। यहाँ कितना बजे तक दुकान खुलता है सारा वीडियो के मार्फत से आप लोगों को बताएंगे। चलिए हम शॉप ऑनर से बात करते हैं, भैया का टाइम टेबल क्या है यहाँ दुकान खोलने का सरैयागंज टावर पे, उनसे आप लोगों को सारा डिटेल इस वीडियो के मार्फत से बताएंगे। कुछ कस्टमर से भी बात करेंगे कि क्या खासियत है इनके चाय में, सारा आप लोगों को इस वीडियो में। नमस्कार भैया। जी सर। भैया आपका किस जगह पे दुकान है? टावर चौक पे, सरैयागंज टावर चौक पे। तो क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम नंद किशोर कुमार। नंद किशोर जी, आपका दुकान कब कितना बजे तक खुली रहती है? सवेरे 3:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। बस 9 बजे तक ही? तो आप लोग सुन सकते हैं 3:30 बजे से 9 बजे तक ले भैया का दुकान खोलते हैं। तो भैया क्या खासियत है कि आपके यहाँ मतलब कि चाय इतने सारे कस्टमर आते हैं? ये दूध का चाय बनता है यहाँ पे। अच्छा जी, अरे दूध का चाय बनाते हैं? पत्ती का क्वालिटी जो अच्छा आप लोग भैया का देख रहे हैं, यहाँ पिस्तल के बर्तन में चाय बना रहे हैं, दूध का चाय बनाते हैं। क्या नाम है अभी आपका? नाम हुआ राजा कुमार। कब से आप यहाँ पे चाय पीने आ रहे हैं? घर है सूतापट्टी में, घर है चाय पीने के लिए शुरू से शाम तक चाय पीने आते हैं। कितने का चाय देते हैं भैया? 5 रुपया। 5 रुपया का? कैसा लगता है आप लोगों को चाय? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत तारीफ कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर जी आपका? सुमित कुमार। तो कब से आप आ रहे हैं भैया के स्टॉल का चाय पीने? जब से दुकान खोली तब से आ रहे हैं। काफी दिनों से आ रहे हैं। चाय कैसा लगता है इनका? बढ़िया लगता है, क्योंकि सारे आदमी भैया यहाँ पे बोल रहे हैं कि चाय बहुत अच्छा रहता है। सुबह 3:30 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ पे चाय मिलता है, और आप लोगों को जो हर स्टॉल से 5 रुपये की चाय मिलेगी, यहाँ भी आप लोगों को 5 रुपये का भी चाय मिलेगा। बहुत आप लोग आते हैं यहाँ सरैयागंज टावर पे, यहाँ पे टी स्टॉल पे एक बार आप लोग चाय पी कर देखिए, दिल खुश हो जाएगा। तो हम यहाँ से चलते हैं अखाड़ा घाट के तरफ। तो गाइस हम लोग अखाड़ा घाट के तरफ चलते हैं। इससे पहले अभी हम सिकंदरपुर चौक पे चलेंगे, सिकंदरपुर चौक होते हुए हम चलेंगे अखाड़ा घाट के तरफ। आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं सिकंदरपुर चौक यही है।
और ये रास्ता आपको चली जाएगी सिकंदरपुर के तरफ। सिकंदरपुर रानी सती मंदिर का भी अपडेट आप लोगों को हम दे चुके हैं ऑलरेडी, अगर नहीं देखे तो ऊपर में आई बटन में जाकर देखिए। इस रास्ते से हम चलते हैं अखाड़ा घाट के तरफ। आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं जीबी मदर्स स्कूल, तो नज़दीक में ले चलते हैं आप लोगों को दिखा देते हैं। ये जीबी मदर्स स्कूल है, जीबी मदर्स स्कूल का ये गेट यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। और एक मेन गेट आगे से है, हम आगे भी चल के आप लोगों को दिखा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं जीबी मदर्स स्कूल यही है, नोटिस रजिस्ट्रेशन ओपन, अभी एडमिशन चालू है, आप लोग आते हैं तो यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ, आप लोगों को दिखाते हैं। वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। और ये आप लोग देख सकते हैं कृष्णा टॉकीज इसके पीछे था, आगे में पेट्रोल पम्प है। कृष्णा टॉकीज ऐसे बंद हो चुका है। और ये आप लोग देख सकते हैं इंडियन फैमिली मार्ट, ये है आप लोग देख सकते हैं। चलिए, और उसके ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं KFC। तो चलिए चलते हैं आगे अखाड़ा घाट के तरफ, आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ पानी का क्या स्थिति है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो आप लोग अखाड़ा घाट के तरफ आते हैं तो अखाड़ा घाट से पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ बालाजी का मंदिर है। इसका अपडेट अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा, नेक्स्ट अपडेट यहाँ का आप लोगों को देंगे। चलिए हम चलते हैं अखाड़ा घाट के तरफ, दिखाते हैं आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं अखाड़ा घाट के पास हम पहुंच गए हुए हैं। रास्ता आपको सिकंदरपुर के तरफ चला जाएगा और ये रास्ता आपको बालू घाट के तरफ चला जाएगा। और हम लोग अभी इधर से आए हैं सरैयागंज टावर के तरफ से और चलते हैं अखाड़ा घाट के तरफ। अखाड़ा घाट तो आप लोगों को दिखाते हैं, अखाड़ा घाट में पानी बढ़ा है या घटा है, आप लोग ये देख सकते हैं। सिकंदरपुर OP है। चलिए हम चलते हैं अखाड़ा घाट के तरफ, आप लोगों को दिखाते हैं। और आप लोग जो है से कि इससे पहले वाला जो वीडियो आप लोगों को दिए थे अखाड़ा घाट का, उस पर काफ़ी प्यार मिला है इस भाई को, बहुत सारे आदमी उस वीडियो को देखे हैं, उस वीडियो का भाई को बहुत प्यार मिला उस वीडियो पे। तो हम कोशिश करेंगे कि ये भी वीडियो को आप लोग थोड़ा वायरल कीजिए, पूरा फुल वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए कि इस पर भी कुछ प्यार मिले हमें इस वीडियो के मार्फत से। तो चलिए हम अखाड़ा घाट ओवर हैं और आप लोगों को लेकर चलते हैं और पानी का क्या स्थिति है सो अभी हम आप लोगों को इस वीडियो के मार्फत से दिखाएंगे। आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें। हम अखाड़ा घाट ओवर ब्रिज के ऊपर आ गए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ओह माय गॉड, पानी का स्थिति जो है से कि फिर से बढ़ रहा है, आप लोगों को हम दिखाते हैं। चलिए, तो गाइज आप लोग देख सकते हैं पानी देखिए कितना काफ़ी बढ़ते जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ जो है से कि पूरा मिट्टी दिख रहा था, पानी काफ़ी कम हो गया हुआ था
और अभी एक बार एक जो है से कि पानी फिर से यहाँ अखाड़ा घाट में बूढ़ी गंडक में बढ़ता जा रहा है। आप लोग इस वीडियो के मार्फत से हम दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पानी फिर से बढ़ गया है और पानी काफ़ी यहाँ कम हो गया था, बहुत कम हो गया था, बहुत पानी काफ़ी कम हो गया हुआ था और जैसे कि फिर से पानी यहाँ पे भरता जा रहा है बूढ़ी गंडक अखाड़ा घाट में। आप लोग देख सकते हैं पूरा जो है से कि पानी इतना सूख गया हुआ था कि पूरा मिट्टी दिख रहा था, अभी फिर से पानी जो है से कि अपना पाँव पसार चुका है। चलिए आप इस तरह भी चल के आप लोगों को हम दिखाते हैं और आप लोग देख सकते हैं, देखिए फिर पानी कहाँ तक पहुँच गए। पानी सूखा हुआ था जो आप लोग हमारे यह हाथ का जो निशान देख रहे हैं यहाँ तक पानी आ गया हुआ था, अब फिर से पानी देखिए कि कहाँ तक पहुँच गया हुआ है। इन लोगों को अभी जो बाढ़ आया हुआ था बहुत क्षति हुआ है, यहाँ पे जो जितने भी घर हैं झुग्गी जो आप लोग देख रहे हैं बहुत क्षति हुआ है इन लोगों को, घर में पानी घुसा हुआ था बहुत जगह, अभी भी पानी जो है से कि हर मोहल्ला गाँव में है। आप लोग देख सकते हैं पानी कुछ कम हुआ ना कि उससे दो गुना तीन गुना पानी फिर यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ देखिए भौंरी देखिए कितना खतरनाक लग रहा है, पानी में गोल गोल नाच रहा है, उसको हम लोग भौंरी बोलते हैं। और आप लोग अपने देश में क्या बोलते हैं उसे जो पानी को राउंड राउंड घुमा रहा है, आप लोग अपने देश में क्या बोलते हैं प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा हमें, तो हमें भी उससे कुछ सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को आप लोग कहां से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, तो हमें लगेगा कि हाँ मेरा वीडियो कहीं चल रहा है, हमें पता चल पाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं पानी का देखिए कितना स्थिति बढ़ता जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के मार्फत से अभी हम सरैयागंज टावर से लेकर अखाड़ा घाट तक का पूरा हम दिखाए हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि वीडियो जो है से कि और भी आगे तक पहुंच सके और भी आदमी देखे इस वीडियो को। इससे पहले वाला जो वीडियो आप लोगों को दिए हैं अखाड़ा घाट पुल का, उस पर काफ़ी सपोर्ट मिला है, हमें बहुत सपोर्ट मिला है, आप लोग बहुत बहुत सपोर्ट किए हैं भाई को, तो इस वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग देख सकते हैं।